بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
पाक रब उतार के जिसके हाथ में गुल्म है और वही को है कि जिसके हाथ में पूरी की पूरी कुदरत है। दो बातें कही अल्लाह ने अपने लिए, एक तो ये कि मेरे हाथ में मुल्क है यानी ये कायनात मेरी है और कायनात में इख्तदार भी मेरा है। एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता है जब तक मर्जी इलाही नहीं होती। कुछ भी कायनात में मुमकिन नहीं है जब तक मर्जी परवरदिगार ना हो जाए। ये अलग बात है कि कोई शख्स इस मर्जी को ले ले और उसका अख्तियार कायनात में हो जाए। थोड़ा सावधान रहेंगे तो बातें पहुंचेगी। सर बात करें मोहम्मद और ये हिकायत जो है चौथी या पांचवीं की क्लास में उर्दू के सिलेबस में थी। उर्दू की किताब में जो उर्दू बात बातचीत की थी उसमें थी, हमारे जमाने में थी, अब है नहीं है मुझे नहीं पता है। पढ़े हुए भी तकरीबन कुछ नहीं, तो 30-32 बरस तो हो गए होंगे, 30-32 बरस पहले की वो बात है, तो अब है नहीं है सिलेबस वगैरह चल चुका है। आवाज पूछा था ये मैं बादशाह था जिसका वजीर था, उस वजीर का एक तकिया का नाम था। बहुत बच्चों का रहते थोड़ा सा माहौल बना लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बादशाह था जिसका वजीर था, वजीर का तकिया का नाम था अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये वजीर का तकिया का नाम था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें याद आ गया कि वजीर का तकिया का नाम यह था मुफ्ती साहब के जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ये बादशाह उस वजीर से मोहब्बत बहुत करता था, इतनी मोहब्बत करे कि जहां बादशाह जाए वहां वजीर जाए, जहां बादशाह रहे वहां वजीर, बगैर वजीर के एक लम्हा भी बादशाह अपनी जिंदगी को गुजारता नहीं। बादशाह साथ एक दिन बादशाह अपना बैठा हुआ था, वजीर बैठा हुआ था सामने में, बादशाह है, फ्रूट की टोकरी रखी हुई थी, उसने एक सेब खाया और छुरी उठाया और सेब को काटने गया, छुरी बादशाह की तेज थी और उसने जो है बजाय सेब के उंगली काट ली, उंगली काटा तो उंगली पूरी कट गई अलग हो गई। अब ये जाहिर सी बात है उंगली कट के अलग हो गई तो बादशाह चीखने चिल्लाने लगा, बादशाह है जैसे जरा सा तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, उसकी पूरी उंगली कट गई, वो पहला तो तड़प रहा है। वजीर कह रहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है भरोसा करता हूँ, इतने पैसे देता हूँ और तुम्हें अपने भाई की तरह रखा और सारी चीजें, और तुम जो है कहते हो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, ये बेहतर हो गया। बादशाह ने कहा ये नमक खराब है, मुझे जेल में डाल दो। बादशाह ने कहा ये बादशाह नमक खराब है इसे जेल में डाल दो। अब वो ठीक है उसे जेल में डाल दो, वजीर विचार क्या कर सकता है, बादशाह का हुक्म है उसे जेल में डाल दिया। बादशाह का मूड खराब हो गया, यार ये आदमी पे इतना भरोसा करता था और इसने भरोसे को तोड़ दिया और ये कर दिया वो कर दिया और ऐसा कर दिया वो कर दिया, इससे इतनी दोस्ती हो गई थी वजीर से। आप गौर करें वजीर से दोस्ती हो गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्त अगर बेवफा निकल जाए तो मूड खराब होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ भी बाज़ अफराद को दोस्तों से शिकायत होती है, लेकिन सवाल तो मेरे से सुनिएगा ज्यादा नफा है तो अगर हमारा फरा दोस्त बेवफा हो गया, मैं जुमला क्या करता हूँ दोस्त बेवफा नहीं हो गया, आपने बेवफा को दोस्त बना दिया था। ये भी मेरे दोस्त, वो भी मेरे दोस्त, वो भी नहीं भाई
लेकिन ये बताइए राय साहब, इस मराठ में कम से कम 200 आदमी होंगे, 200 बहुत कम बता रहा हूँ, जिनको आप नाम से जानते होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे ना, सब सारे दोस्त हैं नहीं ना। अच्छा, मिलता मिलना जुलना भी होगा, भारतीय मुसाफिया भी होता होगा, ईद मुस्लिम तो गले भी मिल लेते, मगर दोस्त है, दोस्त आपकी उम्र में कितने ये है ना, सब आपको सब आपके आपके ऐसे ही है, जितने अपराध है सारे बताइएगा, जो जो आपके साथ बैठता है सब दोस्त है। अगर आप मजलिस का सुनना चाहते हैं तो बताइएगा, भैया सच बता रहा, जितने भी अपराध आपके साथ बैठते हैं सब आपके दोस्त है, कहा दोस्त नहीं, साथ बैठना और है, दोस्त होना और है, तो यही कुलिया नबी के लिए भी कायम करो, बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। चले चले, बेवकूफ से
दया और करना है, बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। अच्छा, इसमें बेवकूफ से हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। दो दोस्त थे, सो रहे थे, एक सो रहा था, एक जाग रहा था। जो सो रहा था उसके नाक में मक्खी बैठी हुई, एक दोस्त ने उसको हटा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर मक्खी बैठ गई, दूसरे ने फिर हटा दिया। तीसरी बार दोस्त ने कहा कि अच्छा अब बताता हूँ, एक पत्थर लेके बैठ गया। जैसे ही मक्खी बैठी उसने पत्थर मार दिया, मक्खी उड़ गई। आदमी होता है उसकी नियत में कोई खोट था नहीं, आप और कर रहे हैं नियत में कहीं कोई खोट था नहीं, लेकिन बेवकूफ था ना इमाम फरमाते हैं ऐसे आदमी से दोस्ती मत करना जिसकी नियत लायक अच्छी हो, मगर काम बेवकूफी वाला करे। जो कातिल रहम हो, यानी अपने रिश्तेदारों से नफरत करता हो, जिसने रिश्तेदारों को छोड़ दिया हो, इमाम फरमाते हैं ऐसे से दोस्ती मत करना, इसलिए कि जो हमने खून का नहीं हुआ तो हमने दोस्त का क्या होगा। अब एक जुमला का उत्तर देखो, इस जुमले को कैसे बोला ना, आपकी इजाजत से जुमला कह रहा हूं। आप
आके आपकी गर्दन बचा लेता है। ये बहुत खुश हुए कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और वाकई में अल्लाह ने जो किया बेहतर कर दिया, मेरी उंगली जो है कट गई, लिहाजा मेरी जान बच गई, वरना मैं तो अब तक मर गया होता। बुलाया वजीर, वजीर आके कहा भाई तुम्हारी वजारत वैसे ही बहाल, जैसे तुम मेरे मुकर्रब थे वैसे ही रहोगे, बल्कि अब तो और दिल के करीब हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा। मगर एक बात बताओ, कहा क्या? कहा मेरा तो समझ में आ गया कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तुम जब जेल में जा रहे थे तो तुमने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तुम्हारा फलसफा क्या है? कहा मेरा फलसफा यह है आप मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे, बता दूं। आपने साफ सुना जाएंगे कि बिच्छू ने
कि क्यों कहा था? अमीर मोमिन फरमाते हैं कि देखो भाई, तवज्जो, देखो काश कि मैं सुबह को पहुंचा लेता हूं, मजलिस मेराज में पहुंच जाएगी। अगर बाद में पहुंचा देंगे, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, अगर मैं पहुंचा पाया तो उसूल मेरा होगा, कमी मेरी होगी। लेकिन अगर बाद में पहुंचा तो मुझे बताइएगा। अमीर मोमिन एक बार सलात पढ़ेगा, थोड़ा सलात जी जगह
बैत के हक का दिफा औजब है, वाजिब से आगे है। क्यों क्यों खुतबा फिलक पड़ गया, पढ़ना नहीं मुझे आगे जाना, आगे की मंजिल आगे। खुतबा फिलक में जब सारी बातें सिद्धि जाए का हैरान कह ली, तो उसके बाद का एक रोह इंसान तुम्हें क्या हो गया है, मेरे हक के खिलाफ बात हो रही है और तुम खामोश बैठे हो, बोलते क्यों नहीं? यही जुमला है सिद्धि का दायरे का, बोलते क्यों नहीं? क्या मतलब है? इसका मतलब यह निकला कि जब भी अहले बैत के हक की बात हो तो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो फातिमा डांटेगी कि हक की बात हो रही थी तुम क्यों नहीं बोले। बोलना चाहिए तो क्या कहा, सलमान की कीमत हो रही थी और तुम वहां बैठे हुए थे, तुम्हें क्या चाहिए था? दिफा करते नहीं, दिफा कर सकते थे तो उठे चले जाते, ना तुम गए ना तुमने दिफा किया, अल्लाह ने अज़ाब मुसल्लम कर दिया। सलावत अल्लाह से हो गई मंजर भाई, रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्ड है, हाँ बस ठीक है जी जी, आवाज कम आएगी शायद इसकी वजह से। चलिए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, भाई आप तक आवाज आ रही है, आप तक बात पहुंच रही है ना, बस आप आमादा रहिएगा इंशाल्लाह। तो अख्तियार अल्लाह के हाथ में, मर्जी अल्लाह की चलेगी, कायनात का पत्ता पत्ता। ये अलग बात है कि अल्लाह ने अपनी मर्जी कुछ अफराद को दे दी है कि जिनके कब्जा कुदरत में अल्लाह ने कायनात को दे दिया, खल्क करके अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को कायनात दे दी। आप गौर कर रहे हैं क्यों? मैंने जितना अख्तियार इस कायनात में अहले बैत का देखा है किसी का नहीं है। यह अलग बात है कि अहले बैत को सारे अख्तियारात खुदा ने दे रखे हैं, आप गौर कर, इनके पास सारे अख्तियारात हैं, लेकिन ये अख्तियारात दिए किसने हैं? उस मालिक ने दे रखे हैं, उस खुदा ने दे रखे हैं अहले बैत को अख्तियारात, सारे अख्तियारात। ये जब चाहे जो चाहे करे कायनात में, आप गौर, इन्हें अख्तियार अल्लाह ने दे रखा है सारे। कौन सा अख्तियार है जो अहले बैत के पास? भाई एक अख्तियार मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करके मैं इसको मुकम्मल कर देना, कौन सा अख्तियार है भाई आमादा है जो अल्लाह ने अहले बैत को नहीं दिया? चांद के दो टुकड़े ये करें, सूरज को अपने इशारे से ये बुलाएं, सितारे को अपने दरवाजे पर ये झुकाएं, मलाइका को खिदमत के लिए अपने दरवाजे पर ये बुलाएं, जब चाहे जन्नत की गजा ये मंगाएं, जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मुर्दा कर दे। नहीं, अगर आप आमादा ना हो तो जुमला कहो, आमादा है? अल्लाह ने जनाब ईसा को एक मोजजा दिया, मुर्दा जी, सारे बोले मुर्दा जिंदा करने का, लेकिन ईसा के पास मुर्दा जिंदा करने का अख्तियार था, जिंदा को मुर्दा करने का अख्तियार नहीं था। मैं क़िबला नहीं, गौर किया आपने, जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, अख्तियार था, लेकिन जिंदे को मुर्दा कर दे, यह अख्तियार है जनाब ईसा के पास? का जनाब ईसा के पास किसी जिंदे को मुर्दा करने का अख्तियार नहीं था, हम मुर्दे को जिंदा, ये अख्तियार सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास है। यहां पर मैं एक जुमला कहा करता हूं, आज आप लोग के दरमियान भी पहुंचा देता हूं, सुनिएगा। एक रवायत आप सुनते हैं, बहुत मशहूर है, सैकड़ों उलमा से हजारों मरतबा आपने सुनी और पढ़ी होगी शाह साहब मौलाना, के अमीरुल मोमिनीन का इम्तिहान लेने के लिए वो एक औरत अपने जवान बेटे को जो है वो ताबूत में लिटा के, और चल ये पूरी रवायत आपके जहन में आ गई ना, यहां से मैंने एक नुक्ता निकाला है। देखिए रवायत तो वही होगी, रवायत में तो हम कुछ रद्द बदल नहीं कर सकते हैं, जो सब पढ़ते हैं वही रवायत पढ़ी जाएगी, लेकिन अब हम क्या, हमारा काम है कि उस रवायत में से मेहनत करके कोई नुक्ता निकाल के ले आए। आप गौर करें, वो ले आई, उसने आके लिटा दिया, काहे के लिए लाई थी आप भी शाम, किस चीज के लिए लाई थी? नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ले आई थी ना, वो जितने कांधा दे के आए थे सब पीछे हट गए, सब बना के माँ एक तरफ है, कहा या अली नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, भाई पूरी तवज्जो करेंगे, या अली
नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि वारिस कौन है, कहा ये माँ है, तो कहा पढ़ा दूं, यही आप सुनते हैं ना उलमा से, भाई पढ़ा दूं, कहा जी मौला पढ़ा दीजिए। मैं एक हैरान हूं कभी कभी, ये मौलाना मौजूद है, हमारे भाई हैं, अजीज हैं, दोस्त हैं, बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, भाई सच बताइए कभी कभी अजीब सा नहीं लगता है कि आपको या मुझे फोन हो, कोई साहब फोन करें कि मौलाना साहब फला साहब का इंतकाल हो गया है और आपको नमाज जनाजा पढ़ानी है, और आप वहां मुलब्बस पहुंच भी गए और सारा पुरसा हो गया और सारी चीजें हो गई, मजलिस हो गई और नमाज जनाजा के लिए जैसे ही जनाजा तैयार हो गया आप आगे खड़े हैं, सफे तैयार हो गई, और उसके बाद आप या हम पूछते हैं भाई वारिस कौन है, होता है पूछा जाता है, और फिर वो चाहने वाले किसी लड़के को जो है शाना पकड़ के या हाथ पकड़ के पीछे से आगे खींच के लाते हैं, कहा ये है मरहूम के बड़े बेटे, तो आप फौरन पूछते इजाजत है, कभी कभी समझ में नहीं आता, अरे यार आपको बुलाया ही गया है नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, टेलीफोन आपको हुआ था कि भाई मौलाना नमाज जनाजा पढ़ाना है ना, अब जनाजा तैयार है पढ़ा दीजिए, तो हर आलिम यही कहेगा जब तक वारिस इजाजत ना दे नहीं पढ़ाया जाएगा जी कबला, यही मसला है। अच्छा यहाँ एक बात और को, नमाज जनाजा की नियत क्या है, बहुत सी नियत होती है जो सीधी सीधी नियत है, इसमें कोई टेढ़ा वाड़ा मसला नहीं है, नमाज में पढ़ता हूँ मैयत हाजिर पर वाजिब कुर्बतन, सीधी सीधी बात है बस, मैयत हाजिर पर नहीं आप गौर कर रहे हैं, देखिए मैं एक जुमला बहुत आहिस्ते से, मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूं, बहुत तेज और चीख चिल्ला के मलिस नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत इत्मीनान से, लेकिन इस जुमले में जोर है, तो अमीरुल मोमिनीन ने भी तो यही नियत की होगी, नमाज में पढ़ता हूं, नमाज में पढ़ता हूं, हो ही नहीं सकता कि अली किसी को मैयत कहते हैं और वो जिंदा रहे, अरे भाई ये हो सकता है, इसे कहते हैं ना कुल्फयाकून का मालिक, ये है विलायत तकवीनी ना, मारने की जरूरत नहीं है, नियत कर ली कि मैयत तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता। अब मैं एक जुमला कह रहा हूं किबला आपकी इजाजत से, ए भैया फलसफा मौत तो हयात बड़ी बड़ी फलसफे की किताबों में जाके ना ढूंढना, भाई इतना समझना अली की नियत का नाम मौत है, अली की ठोकर का नाम हयात है, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनिएगा ताकि बातें पहुंचा ले जाऊं, अब सुनिएगा, मौला ने भी यही नियत कर ली, मैयत कह दिया, मैयत सिर्फ कह दिया, इख्तियार देख रहे हैं, अख्तियार देख रहे हैं, छुरी चाकू तलवार नहीं चलाना है, सिर्फ कह दिया मैयत, तो मैयत हो गए, अब मलकुल मौत की मजाल नहीं है कि उसकी रूह ना निकाले, मैयत कह दिया, ये इख्तियार आप देख रहे हैं, उसके बाद माँ लिपट गई कदमों से, मौला वो गलती हो गई और माजरत चाहते हैं, एक ही बेटा था, वापस लौटा दीजिए, अमीरुल मोमिनीन ने हयात डाल दी, कसम खुदा की अख्तियार अली आप देखें ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कंट्रोवर्सी वाली है, अख्तियार अमीरुल मोमिनीन देखे, अख्तियार इमाम देखे, सब पढ़ते हैं ना इस रवायत को, सारे पढ़ते हैं ना भाई रवायत को, नियत कर लिया हो मर गया, नियत कर लिया हो जी गया, आप गौर कर रहे हैं, जब चाहा तो ये अल्लाह, हाँ अब कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल आम बात थी, जो सब पढ़ते हैं वही हमने भी पढ़ा, अब इसमें एक नुक्ता है, सबने पढ़ा और आपने अगर किसी से भी इस वाक्य को सुना है 10-12 आलिमों से अगर आपने सुना होगा तो सबने कहा कि अली ने मां से पूछा था पढ़ा दूं, यानी इजाजत ली, वो अली अल्लाह के अलावा जो किसी से इजाजत न ले वो नमाज मैयत के लिए उस मां से इजाजत ले रहा है, नहीं अब जुमला कह रहा हूं जरा मैं देखूं आज ये मालूनी मलाट का मजमा इस जुमले का इस्तकबाल कैसे करता है, तवज्जो करेंगे भाई सुनिएगा, सन 2020 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, सन 2020 में अफरोज साहब, तो यहाँ कब्रिस्तान में लॉकडाउन था लेकिन उसके बाद भी 15-20 हमारे उलमा मौजूद थे
और मैंने किसी से नमाज जनाजा के लिए कहा नहीं था। तो 15-20 लोग ऐसे ही थे, अफराद भी थे अच्छे खासे, मना करते करते भी। बहरहाल तो वो लोग आपस में ये तय कर रहे थे, वो जो अभी हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे ना किसी ने पूछा ना कोई बात हुई, आपस में ये तय कह रहे थे कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो वो कह रहे थे वो पढ़ा दे, वो कह रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त किसी का, वो कह रहे थे वो पढ़ा दे, वो कह रहे थे वो पढ़ा दे, वो कह रहे थे आप पढ़ा दीजिए, वो कह रहे थे आप पढ़ा दीजिए, सब आपस में वो बातें चल रही है, कौन पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा, किसी से कहा नहीं है। तो सबने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि अगर बाप ने बेटे को इस लायक बनाया है कि वो नमाज पढ़ा दे तो ऐसा है कि उम्मीद से कहो कि वो खुद पढ़ाए। खैर जब सब तैयार हो गए, मैं क्या भाई आप लोगों में से कोई साहब आए और नमाज पढ़ा दे, सारे लोग थे हमारे से और क्या काफी अफराद थे, नमाज पढ़ा दे। तो उसमें हमारे मौलाना अजीज हैदर साहब ने फरमाया कि भाई हम लोगों का मुत्तफिका फैसला यह है कि नमाज आप पढ़ाएंगे, और उन्होंने अपनी रिदा उठाई और हमारे दोस्त पे डाल दी। मैंने कहा नहीं साहब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। भाई तवज्जो, ए भैया आखिरी मोबाइल वोबाइल छोड़ो थोड़ी देर, सुनो हाँ आप पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं साहब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरे अब्बा की जनाब मेरी नहीं नहीं, नहीं, नहीं हम लोग हैं पीछे, कोई मसला नहीं। ओ सब पूरी माशाल्लाह सलमा की लग गए, कहा आप पढ़ाइए। ठीक है साहब हम गए, सबने कहा पढ़ा दी, नमाज हो गई, खत्म हो गई नमाज, तदफीन हो गई। दो चार रोज के बाद एक साहब मिले, आप सोचेंगे क्या घर का किस्सा लेकर बैठ गए, अगर बात पहुंचेगी तो मजलिस हो जाएगी, आप गौर करें। एक साहब मिले मुझसे, सुनिए साहब आपसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा जी फरमाए। कह लगे उस दिन आपके वालिद की नमाज जनाजा में मैं भी शरीक था। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। कह लगे लेकिन एक बात थी, एक मसला आप भूल गए। हैं मसला भूल गए, भाई ठीक है गम था, वालिद की मौत थी, सबके लिए गम की बात है, हो सकता है मैं भूल गया, बता दे साहब हम सही कर लेंगे, क्या था? उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं कि किसी की भी नमाज जनाजा की अगर खबर मिल जाए तो पहुंच जाता हूं, सवाब की बात है, पहुंचना भी चाहिए। तो मैं आपके यहां भी आ गया था, तो मैं सबकी नमाज जनाजा में जाता हूं, तो मौलाना अजीज साहब क़िबला खुदा उन्हें सलामत रखे, हमारे अजीज भाई दोस्त हैं वो, जब आप सब जानते ही होंगे उनको जो उसकी मैयत है वहां रहमताबाद में, तो वो किसी की भी नमाज जनाजा होती है तो पूछते हैं वारिस कौन, अब वो आता है और नमाज पढ़ा देता है, वो आता है इजाजत देता है, मौलाना नमाज पढ़ा देते हैं। मैंने कहा जी सही बात है। कह लगे लेकिन आपने उस दिन पढ़ाया तो किसी से पूछा नहीं। नहीं आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ाया तो किसी से पूछा नहीं। मैंने कहा मैं मसला भूला नहीं, आप मसला समझे नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा चूंकि मैयत के वारिस अजीज साहब नहीं होते हैं लिहाजा इजाजत लेते हैं, मैं चूंकि मैयत का वारिस था आमादा रहिएगा, मैं चूंकि मैयत का वारिस था लिहाजा मुझे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। तो कानून यह है कि अगर कोई वारिस ना हो तो वारिस से इजाजत ले, वारिस पढ़ाए तो किसी से इजाजत ना ले। अली ने वहां मां से इजाजत ली, लेकिन पूरी तारीख इस्लाम खंगाल के देखो, अली ने नबी की नमाज जनाजा पढ़ाई, किसी से इजाजत नहीं। किसी से इजाजत नहीं ली, बताओ किससे इजाजत ली? नबी की नमाज जनाजा अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ाई, इजाजत किससे ली? अगर किसी से इजाजत ली तो वो वारिस है, और अगर इजाजत नहीं ली तो मानो अली नबी के वारिस थे, इसलिए बगैर इजाजत नमाज जनाजा पढ़ा दी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्या अख्तियारात है अमीरुल मोमिनीन के, कभी भी अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के अख्तियारात पे शक न कीजिएगा, इसलिए कि वो जिसे जो चाहे वो दे दे। आप गौर करें, हमारे यहां होता है नहीं कब, एक अभी आप देखिएगा बहुत दूर की बात, बाजी करीब की बात है, 7 साल का लड़का हाफिज कुरान, हमारे यहां 7 साल के लड़के बाकायदा मदरसे नहीं जा पाते हैं, और किसी का 7 साल का लड़का हाफिज कुरान हो गया तो यह क्या है? अताए परवरदिगार है, खुदा ने खास अता की है, यहां गौर ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि अगर खुदा की खास अता हो तो छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो सकता है? यहां तो वजह नहीं कर रहे।
तो खुदा की अता पे तो शक नहीं है, तो खुदा 7 बरस को हाफिज कुरान बना दे या 3 दिन के बच्चे को मुहाफिज कुरान बना दे। नहीं, आप गौर करें, वो तो उसके हाथ में है ना। वो किसे मुहाफिज बनाता है, किसे हाफिज बनाता है, किसे अख्तियार देता है, कितना अख्तियार देता है, ये खुदा के ऊपर है। अहले बैत के अख्तियार में शक करने का मतलब है कि खुदा की कुदरत में शक है। वो कादिर जिसे चाहे। एक हदीस सुना देता हूं और उसी पे मसाइब। किताब है नहजुल असरार और हदीस को हदीस गमामा कहते हैं। अगर आप सुनने का मूड बना रहे हो 10-15 मिनट तो इसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके मसाइब। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। सुनिएगा, उसमें यह है कि एक दिन मस्जिद कूफा में, भाई पूरी तवज्जो, मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, इमाम हसन बैठे थे, इमाम हुसैन बैठे थे, जनाब सलमान बैठे थे, जनाब अबू ज़र बैठे थे, जनाब मिक़दाद बैठे थे। नाम बता दूं या याद रहेगा? ये सारे लोग बैठे हुए थे। किताब नहजुल असरार, हदीस, हदीस गमामा। अमीरुल मोमिनीन है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, जनाब सलमान है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, जनाब सलमान में और इमाम हसन में गुफ्तगू हो रही है। पूरी तवज्जो, जनाब सलमान में और इमाम हसन में गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू ये हो रही है कि जनाब सलमान और इमाम हसन आपस में बातें कर रहे हैं। जनाब सलमान कहते हैं कि मौला अपने बाबा से कहिए कि अपने कुछ फजाइल दिखाएं सुनाएं, अपने बाबा से कहिए कि अपने कुछ फजाइल सुनाए। आप मुझ जैसे गुनाहगार खतीब से अमीरुल मोमिनीन के फजाइल सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, अगर अमीरुल मोमिनीन अपने फजाइल खुद सुनाए। आप गौर करें तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों में, तो इमाम हसन ने कहा बाबा वो बात ये चल रही है कि आप अपने कुछ फजाइल सुना दीजिए, आप अपने फजाइल सुना दीजिए। नहीं, आप तवज्जो करेंगे तो ही बात पहुंचेगी। आप अपने फजाइल सुना दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये बताओ फजाइल सुनोगे या देखोगे, अब आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे सुनिएगा, इसी पे मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। फजाइल सुनोगे या देखोगे? तो इन लोगों ने कहा कि मौला दिखा दीजिए, इससे अच्छी क्या बात है, दिखा दीजिए। कहा ठीक है। अब नहजुल असरार में जो लिखा है वो बयान ही पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं कि इमाम ने एक दाहिने हाथ यूं उठाया, जैसे ही इमाम ने, अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही दाहिना हाथ उठाया, एक बादल का टुकड़ा आ गया। अख्तियार इमाम का बता रहा हूं, कहा कुछ नहीं, यूं सिर्फ इशारा किया। नियत है ना, अली की नियत से कायनात चल रही है। यह इशारा किया, बादल आ गया। यह इशारा किया, एक बादल आ गया। दोनों तरफ से इशारा किया। एक बादल पे अमीरुल मोमिनीन खुद बैठे और एक बादल पे सबसे कहा आप लोग बैठ जाएं। उसके बाद ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने बादल से कुछ कहा, क्या कहा वो हम नहीं समझ पाए। बादल की जबान, बादल से कहा, कुछ कहा, क्या कहा वो हम नहीं समझ सके। बादल हमें लेके उड़ पड़ा, भाई तवज्जो करेंगे, बादल हमें लेके उड़ पड़ा। जब हम बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए, इतनी ऊपर चले गए कि ये दुनिया एक कॉइन की तरह दिखाने लगी। कॉइन समझ, सिक्के की तरह, ये पूरी कायनात एक सिक्के की तरह दिखाई दे रही थी, हम इतनी ऊपर चले गए। उसके बाद हमने जब नजर उठा के देखी तो हमने देखा कि जिस बादल पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं उस पर एक सुनहरा तख्त है, अमीरुल मोमिनीन उस पर बैठे हुए हैं, बेहतरीन किस्म की नालैन है और सर पे ताज है। ऐसा लग रहा है कि कायनात का मालिक, कायनात का हुक्मरान, कायनात की सैर के लिए निकला हुआ है। भाई तवज्जो करते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। जो हमने ये इख्तदार देखा, हमने जो इख्तियार देखा, तो हमने ये पूछा ये मौला, तवज्जो करेंगे, ये मौला ये क्या बात है। हमने सुना है कि ऐसे ही इख्तदार अल्लाह ने सुलेमान को भी दिया था। अब सुनिएगा, ऐसे ही इख्तदार अल्लाह ने सुलेमान को भी दिया था कि बादलों पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी, चरित परिंद पे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाँ तुमने सही सुना था, लेकिन एक फर्क के साथ। कहा क्या? कहा सलमान के पास एक अंगूठी थी जिसे वो पहन लेते थे, इख्तदार था उस अंगूठी के तहत। कहा जी मौला ये भी सुना है,
क्या देखना चाहोगे वो अंगूठी? नहीं, आप गौर कर रहे हैं, थोड़ा सा आमादा हो जाए, आखिरी आखिरी लफ्ज़ क्या वो अंगूठी देखना चाहोगे? मौला इससे बेहतर क्या होगा? रवायत कहती है अली ने अपने उस तख्त के नीचे हाथ डाला, एक अंगूठी निकाली, का ये वो अंगूठी है जिस पर जिसे पहन के सुलेमान हुकूमत करते थे। इन लोगों ने कहा या अली क्या ये अंगूठी हम देख सकते हैं? कहा बिल्कुल देख सकते हैं। अब उन्होंने अंगूठी लिया और अंगूठी लेने के बाद अब जो नक्श देखा तो उस पर लिखा हुआ है मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। थोड़ा सा आपको आमादा रहना है। अब मैं यहां जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। सुलेमान की हुकूमत बहुत बड़ी है लेकिन अली की हुकूमत से सुलेमान की हुकूमत को न मिलाना, इसलिए कि सुलेमान जैसी हुकूमतें अली के तख्त के नीचे रखी रहती है। चोरी की आपने पूरी रवायत बहुत बड़ी है, पूरी न पढ़ूंगा, बस दरमियान से एक दो जुमले निकाल के पढ़ के बात को मुकम्मल करूंगा। ये कहते हैं कि अच्छा एक चार मिसरे सुनिए अल्लामा जुर्म अहमदाबादी के, अब क्या क्यामत के मिसरे हैं, कम शेर पढ़ता हूं मलिजों में बात आई, सुनिए जुर्म। जुर्म साहब कहते हैं कि रख ली अली ने खालिके अकबर के घर की लाज। अल्लामा जुर्म अहमदाबादी की मिसरे सुनिए, रख ली अली ने खालिके अकबर के घर की लाज, ऐसा सखी के बख्श दे साहिल को तख्तो ताज। रख ली अली ने खालिके अकबर के घर की लाज, ऐसा सखी के बख्श दे साहिल को तख्तो ताज। अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है, अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है, कोई पहन के राज करे कोई दे के राज। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंगुश्तरी है एक मगर दो उसूल है, कोई पहन के राज करे कोई दे के राज। अब सुनिएगा बस, अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं। कह रहे हैं हम और ऊपर गए, इसमें बहुत से स्टॉप्स हैं, कई पांच सात स्टॉप हैं, सब स्टॉप पे पढ़े तो ये पूरी एक रवायत एक घंटे में हो जाती है। बस एक दो दो या तीन स्टॉप पढ़ूंगा और ये पहला। कह रहे हम और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए तो हमें वहां एक पहाड़ दिखाई दिया, उस पहाड़ पे खजूर का दरख्त है, वो सूख गया है। आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे सुने, मैं तो पढ़ के जा रहा हूं। हाँ, जो पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। वो दरख्त सूख गया है तो इन्होंने पूछा कि या अली वो दरख्त सूख कैसे गया? का खुद दरख्त से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? थोड़ा सा बाबा दो भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? जाओ वो दरख्त सूखा है, दरख्त से पूछो क्यों सूख गया। ये गए दरख्त के पास, जाने के बाद कहा दरख्त तो क्यों सूख गया, दरख्त क्यों बात करे? दरख्त ने बात ही नहीं किया। ये वापस आए जनाब सलमान अबू ज़र बिद्दाद, मौला वो हमसे बातें नहीं करता है, वो तो कुछ बताता ही नहीं। कहा ऐसे थोड़ी बोलेगा। कब फिर कैसे बोलेगा? का मेरे हक का वास्ता दो। ये गए तवज्जो, ये गए और जाने के बाद का ये दरख्त, तुझे अली इब्ने अबी तालिब के हक का वास्ता, हमसे बातें कर। सलमान कहते हैं वो दरख्त हमसे फसी अरबी में बातें करने लगा, जबान नहीं थी मगर अली क्या बात आई तो बोलने लगा। अल्लाह ने आपको जबान दे रखी है। अमीरुल मोमिनीन की बात आए, अली की बात आए तो चुप ना रहा कीजिएगा। आप गौर करें, इनके हक की बात है, बोले। खैर, तो इन्होंने पूछा भाई तू सूख क्यों गया? दरख्त से पूछा सूख क्यों गया, क्या बात है क्यों सूख गया? तो दरख्त ने फसी अरबी में कहा कि इसमें वजह यह है कि तुमने जिस शख्सियत का वास्ता दिया है वो हर रोज मेरे साए में आकर बैठते हैं और दो रकात नमाज पढ़ते हैं। क्या सुनते हैं आप? अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हो, नमाजें छूटनी नहीं चाहिए। यहां वो आते हैं और दो रकात नमाज हमारे साए में बैठते हैं और पढ़ लेते हैं। जब जितनी देर वो नमाज पढ़ते हैं उनके बदन से खुशबू निकलती है। आ तवज्जो साहब,
उनके बदन से खुशबू निकलती है, वो खुशबू मेरा रिस्क है। हाँ थोड़ा सा समझ हो जाए भाई, वही खुशबू जो अमीरुल मोमिनीन के बदन से निकलती है वही खुशबू मेरा रिस्क है। तवज्जो, वो खुशबू मेरा रिस्क है। पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों वो तशरीफ नहीं लाए, मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला, मैं सूख गया। आगे आपकी मर्जी, मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला, मेरी गजा नहीं मिली, मैं सूख गया। अब हमसे न कहो उठते या अली, बैठते या अली, जागते या अली, सोते या अली, महफिल में या अली, मजलिस में या अली, घर में या अली, सड़क पे या अली, अपनों के दरमियान, गैरों के दरमियान, ये हर जगह या अली क्यों है? यही लफ्ज या अली हमारी रूह का रिस्क है। जैसे उस दरख्त को रिस्क मिलना बंद हो गया, दरख्त सूख गया, जिस दिन ये रिस्क हमें मिलना बंद हो जाएगा हमारी रूह मर जाएगी। सलावत करिएगा मोहम्मद वाले। ये लोग आए और अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अली ऐसी सी बात है, अमीरुल मोमिनीन गए, दो रकत नमाज पढ़ी, उस खुशबू से वो दरख्त मुअत्तर हुआ और मुअत्तर होने के बाद रवायत कहती है, सलमान कहते हैं कि उसके अंदर खजूरें भी आ गई और हमने खजूरें खा भी ली। और उसके बाद कई स्टॉप है, आखिरी स्टॉप पढ़ के मैं मजलिस को मुकम्मल करता हूँ, वक्त ज्यादा हो गया है, तवज्जो करेंगे। कई जगह रुके और वहां पर हर जगह एक एक मुअज्जा, एक एक मुअज्जा, एक एक मुअज्जा होता रहा। आखिर में तवज्जो कीजिएगा, आखिर में ये एक जगह पहुंचे तो एक कब्रिस्तान था, तो वहां देखा कि दो कब्रें हैं। भाई सुनिएगा आप लोग के लिए खसूसी तौर पे, दो कब्रें हैं और दो कब्रों के बीच में एक शख्स खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। बहुत अहमियत है, इसे हल्का ना समझिएगा, आप गौर कर रहे हैं। मैं एक जुमला कहा करता हूं, हमारी शनाख्त दो इमाम से ज्यादा है, बल्कि तीन इमाम से ज्यादा है, सारे इमाम हमारे लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो हमारी शनाख्त है वो शियाने अली, आजादाराए हुसैन, फिरकाए जाफरिया, ये तीन इमाम से मखसूस शनाख्त है, वरना सारे बराबर हैं। तो हमें शियाने अली और आजादाराए हुसैन कहा जाता है ना, ये इत्तेफाक नहीं है, एहतमाम है। नहीं गौर किया भाई, मैं इस जुमले की दाद ले लूंगा, अगर आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, कहीं और ले लूंगा। ये इत्तेफाक नहीं है, एहतमाम है कि जिन दो इमाम से आप मंसूब हैं वो दोनों इमाम सजदे में शहीद हुए। मैंने मसाइब नहीं पढ़ा है, ये फजाइल है। वो दोनों इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन, दोनों इमाम सजदे में शहीद हुए, क्या बतलाने के लिए? नहीं गौर कर रहे हैं, ये दोनों इमाम सजदे में, शहादत सजदे में है ना, इसका मतलब ये है कि जो अली वाला हो जो हुसैन वाला हो सजदों का खास ख्याल रखे। तो अब दो कब्रें हैं, दो कब्रों के बीच में एक शख्स खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो ये कहते हैं कि हमने पूछा कि मौला ये कौन है, तो कहा कि ये जनाब साले पैगंबर है। कौन है ये? का साले पैगंबर है। कहा क्या कर रहे हैं? कहा ये जो दाएं बाएं है ना, इनके वालिदैन की कब्र है, ये दो रकात नमाज अपने वालिदैन की कब्र पे खड़े होकर हदिया मैयत पढ़ रहे हैं। साले पैगंबर, आप कहा है, आपने क्या किया वालिदैन के लिए? मुझे बहुत आगे नहीं जाना है, आप गौर करें, आपने क्या किया है? आप साले पैगंबर अपने वालिदैन के कब्र के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, आप गौर करें। हमने कितना अपने वालिदैन के लिए साले सवाब किया, आप गौर करें। एक जुमला कहूं, बात को यही खत्म कर दो, ईसाले, फिर से पढ़ता हूं, ईसाले क्या मतलब हुआ इसका? आप कहते ना मजलिस ईसाले सवाब, ईसाले सवाब का मतलब क्या? ईसाल मतलब पहुंचाना, भेजना, सवाब मतलब सवाब, आज सवाब भेजना, यही है ना, यानी ये काम से मेरे माँ को सवाब, मेरे बाप को सवाब, मेरे भाई को सवाब, बीवी को सवाब, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, ईसाले सवाब। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सवाब मिले। तभी तो जाएगा, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसमें सवाब मिले। जिक्र विलायत अहले बैत से बड़ी कौन सी चीज है कि सवाब जिसमें मिले?
सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए हमारे उलमा ने मजलिस इमाम हुसैन को बेहतरीन इसाले सवाब का जरिया रखा है। तो वो इसाले सवाब कर रहे हैं, नमाज पढ़िए। बिल्कुल अगर वालिदैन की कजा है तो यहां तक रवायत है कि अगर उनकी नमाज और रोजा कजा है तो तब तक प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होगी जब तक उनके वाजिबात को अदा न किया जाए। मौलाना यही मसला है, हम लोग क्या है बमर गए प्रॉपर्टी बांट के बाद ऐश से गुजार रहे हैं, उनकी नमाज रह गई हमसे क्या मतलब, रोजा रह गया हमसे, तब तक प्रॉपर्टी नहीं बचेगी। अगर नहीं आप कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी बेचिए और उसमें से पैसा निकाल के उनकी नमाज और रोजा उनका अदा कीजिए। अब गौर करो इतना सख्त है हमारे यहाँ मसला, आप ले ही नहीं सकते हैं अभी उसमें, उनका हक है मरहूम का, उनकी वाजिब अदा कीजिए, आप अदा कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है जाती प्रॉपर्टी है उसमें से पैसा निकालिए और निकाल के, हम तो सब कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप गौर करें। और एक जुमला मैं और कहा करता हूं, माफ कीजिएगा एक बात है तो सुन लीजिएगा, हम लोग हर मामले में बहुत अच्छे हैं, एक मामले में बहुत खराब है, मैं अक्सर पढ़ रहा हूं और खूब पढ़ रहा हूं इसे, कोई सुने ना सुने फर्क नहीं पड़ता है, हर मामले में हम बहुत अच्छे हैं, एक मामले में बहुत खराब है। किस मामले में पता है? बहन का हक मारने में। अब्बा ने घर छोड़ दिया, हम समझते हैं अब तो हम रह रहे हैं हमारा ही है, जी नहीं आपका नहीं है, वो दो एक तीन चार जो बेटियां हैं ना उनका भी उसी में है, उनका भी उसी में है। मौलाना मौजूद है, शरई मसला है, अगर बहन राजी नहीं है आप उस घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर बहन राजी नहीं है, जो बाप की प्रॉपर्टी है अगर बहन राजी नहीं है, आप ये कह सकते हैं मसलन मिसाल के तौर पे आधा तो मेरा है ही है, आधा उसका है तो मैं आधे में नमाज पढ़ रहा हूं मेरे अपने वाले हिस्से में, अभी बटा नहीं है, हो सकता वो उस हिस्से को चाह रही हो, तो आप गौर कर रहे हैं, लिहाजा आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जब तक या तो उसे राजी करें या उसका हक दे। हम लोग सब मार के बैठे हुए बहनों का हक, कोई नहीं देने को तैयार है, आप गौर करें कहां है मैं, होना कहां चाहिए, हम अहले बैत के मानने वाले हैं लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अहले बैत ने बताया है उस पर अमल करें, कोशिश करें जो भी प्रॉपर्टीज है बहनों का हक दे दें। खैर तो बस वह आखिरी बात, साले पैगंबर अपने माँ बाप की कब्र के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, आप हजरात को भी चाहिए कि जब साले नबी अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बदरजे औला जरूरी है कि माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो रोज नमाज के बाद एक सूरह फातिहा तो पढ़ ही सकते हैं, रोज नमाज के बाद कुछ नहीं, कितनी देर लगेगी, डेढ़ से दो मिनट एक सूरह फातिहा में अपने ना ताकीबात में शामिल कर लें, नमाज बाद दो तीन चार मिनट की जो ताकीबात होती है ना उसके उस ताकीबात में एक सूरह फातिहा को भी शामिल कर लें, अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए, आयजा के लिए, रिश्तेदार के लिए, कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए, यह भी आपके लिए सवाब का जरिया है। क्यों बताऊं, मैंने रवायत पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था, आज फिर उसको रिपीट किया है, पढ़ा है मैंने आज, फिर आज ही पढ़ा इत्तेफाक से रवायत में, बहुत पहले पढ़ा था कि लोगों के लिए दुआ किया कीजिए, क्यों इमाम ने फरमाया छठे इमाम से, गालिबन छठे इमाम से ही रवायत है, लोगों के लिए तवज्जो कीजिएगा, लोगों अस्सलाम, लोगों के लिए दुआ किया कीजिए, क्यों क्यों लोगों के लिए दुआ कीजिए, बस यही पे खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू, लोगों के लिए दुआ किया कीजिए क्यों, इमाम फरमाते हैं कि जिन लोगों के लिए आपने दुआ की है ना, मेरे लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, जिनके लिए, इसलिए कहा गया है ना लोगों के लिए, क्या दुआ कीजिए, उसमें से अगर कोई आदमी जन्नत में जा रहा है, ये रवायत है मेरे पास मौजूद है, वो दरवाजा जन्नत में खड़ा हो जाएगा, जब उसे जन्नत में भेजा जा रहा होगा, भाई जब तुम्हारी जन्नत कन्फर्म है आप जाए जन्नत में, वो दरवाजा जन्नत में खड़ा हो जाएगा, कहा मालिक इस आदमी को भी लेके जाऊंगा, कहा लेकिन वो तो जहन्नम में जा रहा, कहा मालिक मेरी शिफात इसके लिए, कहा लेकिन क्यों, कहा इसने अगर दुआ ना की होती तो मैं यहां ना होता, इसने मेरे लिए दुआ की थी, आप गौर कर रहे हैं ये रवायत है कि इसने मेरे लिए दुआ की थी, आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा दूसरे मोमिनीन के लिए दुआ किया कीजिए कि उसमें से अगर खुदा ना खास्ते हमारे अमाल कुछ कम आए और कोई हमसे पहले जा रहा है तो वो हमें लेकर जाएगा। अब खैर ये कहते हैं हम आगे बढ़े, आखिरी स्टाप और यहां मुकम्मल हो गई, एक घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हो गई, अब बात खत्म। अमीरुल मोमिनीन ने कहा और देखना है या बस, कहने वाला बस, कब फिर कब चले कूफा, आखिरी जुमला है जरा कदर कर लीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते तो ठीक है आंख बंद करो, ये सब कहते हैं हमने जैसे ही आंख बंद की, नहीं गौर कर रहे हैं, जैसे ही बस जैसे ही
आंख बंद की। अमीरुल मोमिनीन फरमाते कितनी देर आंख बंद करे रहोगे, खोलो। अब जब हमने आंख खोली तो जहां से उड़े थे वहीं बैठे हैं, मस्जिद कूफा में, वही मस्जिद कूफा में, सिकंड नहीं लगा मस्जिद कूफा में। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कितना घूम के आए, ये रवायत का आखिरी जुमला आपकी मर्जी। का बोला नहीं पता। का इतनी देर में हम लोगों ने इस जमीन का 7 चक्कर लगा लिया है। अख्तियार इमाम था, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजा ने गिरामी गुफ्तगू मुकम्मल कर दिया। आप गौर करें, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारा इमाम कहीं किसी भी मामले में मजबूर है, कभी मत कहिएगा। आइम्मा के लिए लफ्ज़े भी मुंतखब होनी चाहिए। मैं एक लफ्ज कहूं, हर लफ्ज हमारे इमाम के लिए नहीं बनी है। आप गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो लफ्ज हम आम बोलचाल में वो उनके लिए भी रखे, आइम्मा के लिए लफ्ज़े भी सोच समझ के। तो कभी भी आप ये ना कहिएगा वो मजबूर है, वो मंजिले इम्तिहान में होते हैं। लेकिन आपको बताऊं, रमाए वारा के रमजान है, आप सब माशाल्लाह से रोजा रखते हैं। कितने घंटे का रोजा हो रहा है इस वक्त? 12-12.5 घंटे का या 13 घंटे का रोजा होगा, इससे ज्यादा का तो नहीं है। 13 घंटे के रोजे में कम से कम 6-7 घंटा तो आप पंखे में रहते हैं या एसी में रहते हैं, उससे कुछ ज्यादा ही। उसके बाद भी शाम होते होते जबान ऐठने लगती है, तालू से चिपकने लगती है, प्यास का शदीद गलबा होता है, जबकि सहरी में जबरदस्त खाया पिया भी है, एसी में बैठे भी हैं, पंखे में बैठे भी हैं, फिर भी शाम तक जबान सूख जाती है। और हम सोचते हैं कि कैसे अफ्तार का वक्त आए और हम पहली सबसे पहला काम जो है वो एक गिलास पानी पी लें, क्यों? प्यास। सोचे 13 घंटे की प्यास एसी और पंखे के बाद आपकी ये हाल है। करबला की प्यास 13 घंटे की नहीं, 50 घंटे से ज्यादा की है। ठंडक कहीं किसी चीज की नहीं है। गर्मी का यह आलम है कि दाना गिरे तो भुन जाए, ऐसे आलम में मैं एक एहसास दिला के मजलिस मुकम्मल करूंगा। ऐसे आलम में इमाम हुसैन के लिए सबसे सख्त मंजिल करबला में क्या है बताऊं आपको? घर तक रोते जाओगे। आप क्या समझते हैं? बहुत सख्त है, लेकिन सबसे सख्त नहीं है अली अकबर के कलेजे में नैजा देखना। अल्लाह किसी बाप को यह मंजर न दिखाए। इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे के सीने में कलेजे में नैजे की अनी देखी ना, यह बहुत सख्त है लेकिन सबसे सख्त नहीं है। अल्लाह ना करे किसी चचा को अपने भतीजे की लाश उठानी पड़े। इमाम हुसैन ने भतीजे की लाश नहीं, लाश के टुकड़े चुन चुन के अबा के दामन में रखे हैं। यह मंजिल सख्त है मगर सबसे सख्त नहीं है। अल्लाह ने करे किसी भाई को अपने जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाना पड़े। हुसैन ने उठाया है, भाई के लाशे पे गए हैं। यह मंजिल बहुत सख्त है मगर सबसे सख्त नहीं है। सुनते रहिएगा, आयजा के लाशे, भांजों के लाशे, भतीजों के लाशे, भाई के लाशे, एक दो बहर में 71 लाशें उठाना सख्त है लेकिन सबसे सख्त नहीं है। तो करबला में हुसैन के लिए सबसे सख्त क्या था बताऊं? साहबे औलाद होना। करबला में हुसैन के लिए सबसे सख्त 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगना। मैंने मसाइल पढ़ दिया। करबला में इमाम हुसैन के लिए जो सबसे सख्त था वो 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगना। आप कहेंगे ये सबसे सख्त क्यों है? इसलिए कि अकबर के लाशे पे, अब्बास के लाशे पे, कासिम के लाशे पे, किसी भी लाश पे हुसैन ने आपको याद नहीं किया है, लेकिन आखिरी मर्तबा जब आपको याद किया है तो यही जुमला का, ए मेरे शियो, ए मेरे चाहने वालों, काश के तुम करबला में होते तो देखते मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी कैसे मांग रहा था? सुनिएगा, सबसे सख्त मरहला हुसैन के लिए ये था। इसलिए कि हुसैन को देना आता है, मांगना नहीं आता।
आप गौर कर रहे हैं, इमाम फरमाते हैं 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था, कैसे मांगा पता है? इतनी धूप है ना, इस धूप की शिद्दत में आप अपने बच्चों को जमीन पर पैदल चलने नहीं देते, शूज पहना के भी कि कहीं बच्चे के पैर में छाला ना पड़ जाए। हुसैन अपने अबा में अपने इस फूल को ताकि मुरझा ना जाए ढाके हुए हैं और कहते अगर तुम में कोई साहब औलाद हो गया एक कतरा पानी पिला दो। ए अरबाब अज़ा, फौजों की तरफ से कोई आवाज ना आई, कोई जवाब ना आया। हुसैन ने अपने शशबाहे को जमीने करबला की जलती रेत पे रखा और आवाज दी, अगर तुम ये समझते हो इस बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा, लो मैंने अपने बच्चे को जमीने करबला पर रख दिया, अरे कोई तो आके पानी पिला दो। अरबाब अज़ा, कोई ना आया। हुसैन ने बच्चे को उठाया, आवाज दी, ए बेटा अरे हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, जरा हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने नन्ही जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू की, फौजों में कोहराम बरपा हो गया। एक मरतबा पे सारे साथ कहता आईना आईना हुरबुला इख्ता कलामिल हुसैन, अरे हुरबुला कहा है हुसैन के कलाम को खता कर दे, इतना कहना था। हुरबुला ने तीन पल का तीर कमाल में जोड़ा, अली असगर की तरफ रवाना किया, तीर आके बच्चे के गले पे लगा, खून बह, बच्चे के गले से खून बहा। मैं एक मंजर और मजलिस को मुकम्मल कर दूं, खून बहा। इमाम हुसैन ने उस खून को लिया, चेहरे पे मला, ए बेटा अली असगर ऐसे ही नाना से मुलाकात करूंगा। फिर अबा से ढाका और अब चले। आप साहब औलाद हो तो मैं एक जुमला कह दूं, हुसैन के लिए अली अकबर की मैयत को मैदान से खैमे तक लाना आसान था, अली असगर के लाशे में न जाने कितना कर्ब और जोर था कि हुसैन का पैर लरज रहा है। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हट के कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, 7वीं मरतबा पूरी कुव्वत इमामत से दरे खैमे खड़े होकर आवाज दी, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। उलमा कहते हैं रबाब से पहले सकीना बाहर आई, ए बाबा असगर को पानी पिला ला, सकीना प्यासी रह गई। अरे खतीबे ना जुल बलागा का बेटा खामोश खड़ा, अबा को हटाता है। अब जो हुसैन ने अबा हटाई, सकीना ने देखा अबा खून बेतार, असगर के गले पे तीर का निशान है, आवाज दी अम्मा रबाब मेरा भैया शहीद। सियालम लदीना ज़लमो अय्याम क़ल्ब यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न अज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रे इलाही इलाही बिहक़ फ़ातिमा तवाबीहा व बालिहा व बनीहा बसरमस्तफ़िया। परवरदगार हमारी इस मुख्तसर मगर अजीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे इन आंसुओं को रुमाल जनाब जहरा में जगह इनायत फरमा। परवरदगार जिन महरूमीन के इसाल सवाब की मजलिस हुई उनकी मगफरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र और बरज़ख की मंजिलों को आसान फरमा। परवरदगार माह मुबारक रमज़ान माह रहमत माह बरकत है, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात यहाँ मौजूद हैं और जितने लाइव सुन रहे हैं इन सब की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदगार जितने भी साहब हाजात हैं उनकी हाजात को पूरी फरमा। मालिक हम सबको वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। मालिक इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके खास और मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। आप हजरात से गुजारिश है एक बार सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद जफर अब्बास इब्ने मरहूम सैयद वाहिद हुसैन मरहूम सैयद हजरतुल बीबी बिनते मरहूम सैयद यावर हुसैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हदिया फरमा दें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ما تنسى السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.